हे एवरीवन, आई एम आलोक राज फ्रॉम डेव एलेवन और इस वीडियो में आज हम लोग समझेंगे यूज कॉल बैक हुक के बारे में सो so, ये यूज कॉल बैक हुक है क्या सो so, यूज कॉल बैक हुक इट इट इज अ हुक विच बेसिकली रिटर्न्स अ मेमोइज्ड कॉल बैक फंक्शन अगर हम लोग इसकी रैक्ट uh, डॉक्यूमेंटेशन की वेबसाइट को आकर देखें ये सिंपली क्या लिखता है कि इट रिटर्न अ मेमोआइज कॉल बैक तो ये क्या होता है कैसे होता है किस लिए होता है ये सब चीज़ हम लोग अब समझते हैं और बस अब इतना इसको अभी के लिए जान के रखो कि ये जो यूज कॉल बैक हुक होता है ना परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के काम में आता है पर कैसे कब क्या होता है कैसे होता है वो सब चीज अब हम लोग समझते हैं तो मैंने एक बेसिक बॉलर प्लेट कोड रेडी रखा है जिसके अंदर कुछ कुछ हो रहा है मैं प्रॉपरली आपको जल्दी से दिखाता हूँ सो इफ यू विल सी आई हैव मेनटेन्ड टू स्टेट ओवर हियर जो एक काउंटर वन है और एक काउंटर टू है और दोनों के कॉरस्पोंडिंग एक फंक्शन है जो इंक्रीमेंट करने के लिए इंक्रीमेंट काउंटर वन और ये इंक्रीमेंट काउंटर टू ठीक है और ये फाइनली अंतिम में क्या रेंडर करा रहा है ये टाइटल एक कॉम्पोनेंट हम लोगों ने बनाया है इफ़ आई विल गो टू टाइटल तो आप देखो इसके अंदर बस एक कंसोल डॉट लॉक लगाया हूँ टाइटल कॉम्पोनेंट का और ये एक सिंपल रियक्ट डॉट मेमो एंड एंड यूज कॉल बैक हो करके रिटर्न कर रहा है जो कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं अगर मैं दूसरे कॉम्पोनेंट की तरफ आऊं तो ये एक काउंट है जो दो प्रॉप्स एक्सेप्ट कर रहा है एक है टेक्स्ट और दूसरा है वैल्यू सो इफ यू विल सी हम लोग उन दोनों को एक्सेप्ट कर रहे हैं डिस्ट्रक्चर करके और उसको सिंपली रेंडर करा रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर भी हमने एक कंसोल लगा के रखा है कमिंग टू द थर्ड कॉम्पोनेट दैट इज अ बटन कॉम्पोनेट ये भी एक प्रॉप्स है और एक हम लोग इसको चिल्ड्रेन के अंदर जो भी पास कर रहे हैं चिल्ड्रेन एज एन इफ यू सी द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ कॉम्पोनेंट के बीच में जो भी पास कर रहे हैं वो ये रेंडर करा रहा है और हैंडल क्लिक प्रॉप्स के थ्रू हम लोग अपने फंक्शन कॉल का रेफरेंस को भेज रहे हैं तो दैट इज समिंग ओवर हियर जो कि हम लोग यहाँ पे चिल्ड्रेन रेंडर करा रहे हैं और ऑन क्लिक पे ये हैंडल क्लिक को कॉल कर दे रहे हैं और यहाँ पर भी मैंने एक कंसोल डॉट लॉक लगाया है आपको समझ में आएगा गोइंग फॉरवर्ड कि मैं ये कंसोल डॉट लॉक क्यों किया हूँ लेट्स होल्ड ऑन सो दूसरा ये था पहला सेट फिर दूसरा सेट है वापस से काउंट है बट दिस टाइम इट इज फॉर काउंटर टू और हम लोग काउंटर टू को पास कर रहे हैं और सिमिलरली यहाँ पे काउंटर टू का बटन है और जो रेफरेंस पास हुआ है वो इंक्रीमेंट काउंटर टू का है तो ये रहा बेसिक सा हमारा कोड सेटअप जो था ऑलरेडी अब हम लोग देखते हैं कि क्या बिहेवियर है मैं यहाँ पे सेव किया यहाँ आके रिफ्रेश करता हूँ मैं पहली बार रिफ्रेश करके रेंडर कर रहा था हूं. जब ये पहली बार रेंडर हुआ तो आप देखो क्या क्या मेरे पास यहाँ पे लॉग आए हैं पहला लॉग आया है टाइटल कॉम्पोनेंट ठीक है अंडरस्टूड है दूसरा आया है रेंडरिंग काउंट फॉर काउंटर वन ओके हाँ क्योंकि हम लोग वो काउंट के थ्रू कर रहे हैं फिर अपना आया है रेंडरिंग बटन ओके इंक्रीमेंट काउंटर वन मीनिंग ऑब्वियसली कि इंक्रीमेंट काउंटर वन के लिए जो हम लोगों का बटन है वो रेंडर हो रहा है तब आकर आता है कि हमारा रेंडरिंग काउंटर फोर काउंटर टू और इंक्रीमेंट काउंटर टू का बटन तो ये हमको समझ आया सब ठीक है मैं इसको क्लियर करता हूँ बट इंटरेस्टिंगली इफ यू विल सी मैं अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंट काउंटर वन को कॉल करने जा रहा हूँ मैं इसको क्लिक किया जैसे ही क्लिक किया आप देखो काउंटर वन का वैल्यू बढ़ा बट इफ़ यू विल सी द कंसोल ये हमारा पूरा का पूरा कॉम्पोनेंट रीडेंडर हो गया टाइटल कॉम्पोनेंट ये सारे के सारे रिडेंडर हो गए जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ये काउंट का ये वाला चीज़ हम अपडेट कर रहे हैं इसके ऊपर ये हमारा अगर बटन का प्रॉप्स ये सी... बस हमको ये दोनों चीज़ अपडेट होना चाहिए बट ये आप देखोगे ये टाइटल भी रीरेंडर हो रहा है और ये भी रीरेंडर हो रहा है जो कि ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं है तो इसके लिए रिएक्ट ने हमें एक रिएक्ट डॉट मेमो करके हम लोगों को दिया है जिसके हेल्प से हम लोग जब भी अपने कॉम्पोनेंट को एक्सपोर्ट करते हैं ना उसको मेमोइज़ कर लेते हैं इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि उस रियक्ट डॉट मेमो के हेल्प से अनलेस हमारा कॉम्पोनेंट में कोई प्रॉप्स अपडेट नहीं हो रहा है तब तक वो रीजेंडर re नहीं करेगा तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ आते हैं इसको एक्सपोर्ट करने के पहले ऑल आई हैव टू डू इज़ रिएक्ट डॉट मेमो करके इसको रैप कर देना होता है तो लेट्स डू इट फिर हम लोग आएंगे यहाँ दूसरे कॉम्पोनेंट में काउंट डॉट जे एस में यहां पर भी सेम काम करते हैं रिएक्ट डॉट मेमो ठीक है फिर सिमिलरली अपना आएंगे टाइटल पे और टाइटल को भी यही काम करते हैं रिएक्ट डॉट मेमो react dot memo okay let me save all और फिर मैं यहाँ आता हूँ और एक बार पूरे को refresh करता हूँ ठीक है अब अपने मैंने initial state में आ चुका हूँ सबसे initial वाले state में अब आया आप देखो सबसे पहली बार सारा का सारा component re render हुआ ठीक है समझ आता है आप देखो अब मैं clear out करता हूँ अब मैं आता हूँ सिर्फ और सिर्फ counter one को increase करूँगा ओके okay. अब देखो अब मैंने सिर्फ और सिर्फ काउंटर वन को क्लिक किया वैल्यूज कम हो गए पहले हमको पांच कंसोल आता था बट अब देखो अब तीन आ रहा है ओके ऑप्टिमाइजेशन तो हुआ है पर अभी भी कुछ ऑप्टिमाइजेशन बाकी है अब देखो अब जब से ही मैंने काउंटर वन को किया टाइटल में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा था तो ये कुछ भी अपडेट नहीं किया दूसरा था काउंटर वन का ये काउंट ये अपडेट हुआ है क्योंकि हमने जैसे ही इसको क्लिक किया था तो ये अपडेट हुआ है तो ये अपडेट हुआ है रीजेंडर होना बनता है जो मैंने रेंडरिंग इस पर क्लिक किया था तो इसका भी प्रॉप्स अपडेट हुआ है समझ आता है ठीक है ये भी अपडेट होना सही था बट इफ यू विल सी ये जो दूसरा है काउंटर टू ये टेक्स्ट का ये नहीं अपडेट हुआ विच इज़ वेरी गुड क्योंकि हम लोग ऑप्टिमाइजेशन के लिए रिएक्ट डॉट मेमो का यूज कर रहे हैं तो ये अच्छा है कि नहीं हुआ बट वियर्ड थिंग इज कि ये आप देखोगे कि ये तीसरा जो था ये हैंडल क्लिक का बटन वापस से काउंटर टू का वो रेंडर हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि हम लोग जब भी पेरेंट कॉम्पोनेंट को ये ऐप डॉट को री re करा रहे हैं तो ये जो फंक्शन है इवन दो इसका डिफिनेशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है ये हर बार एक न्यू मेमोरी को पॉइंट कर रहा है और उसके कारण जब ये पूरी चीज़ री re हो रही है तो इस कॉम्पोनेंट को लग रहा है कि ये ये प्रॉपर जो हम लोग रेफरेंस सेंड कर रहे थे इसकी वैल्यूज अपडेट हो गई है क्योंकि इसका रेफरेंस हम लोगों ने अपडेट कर दिया था और इसके कारण हर बार इस बटन कॉम्पोनेंट को एक नया प्रॉप्स मिल रहा है एक नया प्रॉप्स मिल रहा है और उसके कारण ये री रेंडर करा रहा है सो दिस इज नॉट समथिंग वी आर एक्सपेक्टिंग तो अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना होगा कि भाई हम लोग कैसे सॉल्व करें कि ताकि हमको ये सब चीज़ बार बार रीरेंडर ना हो मतलब हम एक बार कर दिए अनलेस अनलेस वी डू नॉट मेक एनी चेंजेस ये रीरेंडर नहीं होना चाहिए एंड दैट इज़ वेयर हमारा यूज कॉल बैक होक काम में आता है तो अब हम लोग समझते हैं डेफिनेशन ऑफ यूज कॉल बैक ये क्या करता है को करेंगे, इसके अंदर हम एक लिखेंगे, और ये कॉल बैक फंक्शन कब अपडेट होगा जब जब इसका ये डिपेंडेंसी में कुछ चेंजेस हो गए तभी जाकर यह होना चाहिए तो लेट्स डू दिस हम लोग इसको एकदम से इम्पोर्ट करते हैं आई विल कम ओवर हियर और फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग एक अपडेट इंपोर्ट कर लिया यूज कॉल बैक को और अब हम लोगों को सिंपल सा क्या करना होगा यूज कॉल बैक के अंदर इसको रैप कर देना होगा यूज कॉल बैक दो पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है पहला होता है कॉल बैक फंक्शन और दूसरा होता है डिपेंडेंसी एरे तो हमको पता है कि ये इंक्रीमेंट काउंटर वन कब अपडेट होगा जब जब ये काउंटर वन का वैल्यू अपडेट होगा तभी तभी हमको ये रेफरेंस अपडेट करने की जरूरत है वरना दिस इज वर्किंग फाइन द सेम विल गोज फॉर दिस कॉल बैक मैं वापस यहाँ करूंगा इसको ऐसे रैप कर लेता हूं इसका डिपेंडेंसी आई में क्या हम लोग पास करेंगे काउंटर टू ठीक है तो ये रहा एक स्मॉल सा ऑप्टिमाइजेशन और अब हम लोग देखते हैं कि क्या इंप्रूव हुआ हम इसको सेव करते हैं लेट मी अगेन डू अ हार्ड रिफ्रेश ये हमारा रिफ्रेश हो गया फॉर द फर्स्ट टाइम ये सारे के सारी चीज रेंडर हुई अब हम लोग देखते हैं कि अब क्या होता है लाइक लेट मी क्लियर द कंसोल ओवर हियर अब मैं आता हूं सिर्फ और सिर्फ काउंटर वन को क्लिक करता हूं ठीक है देखना क्या होता है देखा आपने क्या हुआ अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ काउंटर वन को क्लिक किया तो इसके कारण ना ही टाइटल टाइटल तो चलो रिएक्ट डॉट मेमो के कारण नहीं हो रहा था अब देखो पहले तीन के बदले अब दो कंसोल आ रहा है इसका क्या मतलब है कि काउंटर टू अगर चेंज नहीं हुआ है तो इसका रेफरेंस अपडेट नहीं किया है तो हमारा ये वाला कॉम्पोनेंट अब रीरेंडर re नहीं हो रहा है सो एज पर डेफिनेशन यूज कॉल बैक रिटर्न मेमोवाइज कॉल बैक फंक्शन तो ये हमारा अभी भी पुराने रेफरेंस को पास कर रहा है इसीलिए हमारा रिएक्ट इसको रीरेंडर re नहीं कर रहा है लेट मी क्लियर इट आउट और मैं अब इस बार काउंटर टू को करूंगा तो देखो सिर्फ और सिर्फ काउंटर टू का अपडेट हो रहा है तो इस तरीके से यूज कॉल बैक हमको ऑप्टिमाइजेशन में बहुत हेल्प करता है So, this was like all about use callback hook. Uh, see you in the next one. So, before going, if you are new to the channel, please subscribe to Dev 11.